सो वॉट इज़ अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड बहुत टाइम बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। एंड ये वीडियो होने वाला है फ्लैट शूज वर्सेस हील्स। आप स्कॉटिंग में कौन सा प्रेफर करोगे या कौन सा पहन सकते हो, तो ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। सो और ये वीडियो में हम लोग प्रो वुल्फ के डेडलिफ्टिंग फ्लैट शूज को भी अनबॉक्स करेंगे। तो उससे स्टार्ट करते हैं अभी। एंड दीज आर द शूज। वाइड इन कलर ऐसे। सो इसका कॉस्टिंग है अराउंड 3500 to 3800। मैंने सीधा उनकी वेबसाइट से लिया है एंड आई हैव यूज्ड इट फॉर अराउंड 2 to 3 सेशंस। Makes a difference. If you squat in flats, these are must-haves. And the pros for this is, इसका जो sole है, it's very close to the ground. So आपको जो natural जो grip है, वो आपको easily available होगा. And इसका grip भी ऐसा है, so आप कभी slip नहीं कर पाओगे. And यहाँ पे strap दिए गए हैं. इनके मदद से आपका जो feet है, वो properly sturdy रहेगा. आपको एक tightness feel होगा. और टो बॉक्स वाइड होने के कारण आप अपने टोज को भी इजीली स्प्रेड आउट कर पाओगे, उससे भी आप ड्राइव ले पाओगे। सो या दैट्स द शूज। एंड किन किन लोगों को हील्स ज़्यादा प्रीफर्ड है, तो पीपल जिन जो ज़्यादातर कॉर्ड डोमिनेंट है एंड ज़्यादातर उनका कॉर्ड्स ओवर पावर करता है एंड जिनको डेप्थ का कभी कभी इशू होता है एंकल मोबिलिटी के लिए, वो लोग ये शूज़ ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड एज पर फ्लैट्स आर मोर यूज़ बाई पीपल जो हिप डोमिनेंट ज़्यादा है, जो पोस्टीरियर डोमिनेंट ज़्यादा है, वो लोग फ्लैट ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्क्वाट्स सीख रहे हो, आप चालू कर रहे हो पावर लिफ्टिंग, सो यू शुड ऑलवेज गो विथ फ्लैट्स और बेयरफुट। द रीज़न बिंग, अभी बात करेंगे हील्स के बारे में। हील्स जो लोग प्रीफर करते हैं, वो लोग अपने स्क्वाट में मोस्टली अपराइट रहना ज़्यादा प्रीफर करते हैं और हील्स आपको स्क्वाट में अपराइट रहने में हेल्प करते हैं। वो आपको नीज को आगे ड्राइव करने में, आपको कॉर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जो कॉर्ड डोमिनेंट है, दे यूजुअली प्रीफर हील्स ओवर फ्लैट्स। और जो लोग फ्लैट्स यूज़ करते हैं, दे आर मोस्टली हिप डोमिनेंट, आगे लीन होंगे प्रॉपरली। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को यूज़ करने के लिए फ्लैट्स आर मच बेटर ऑप्शन। सो आप कैसे चूज़ करेंगे, यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू यू। आपको लगता है आप कॉर्ड डोमिनेंट हो, गो फॉर हील्स। आपको लगता है आप हिप डोमिनेंट हो, गो फॉर फ्लैट्स। बिगिनर कि आपको इतना अभी तक पता नहीं है कि आपका बॉडी क्या है, सो आई विल रिकमेंड कि आप एक काम करो कि यू स्टार्ट विथ बेयरफुट और फ्लैट शूज एंड देन एक बार आप प्रॉपरली क्लोज टू फ्लोर जाओ, फ्लोर से जो ग्रिप है वो सब प्रॉपरली अपना बेसिक डेवलप करो, देन सोचना हील्स में शिफ्ट होने का। एंड एक बार हील्स में शिफ्ट हो, शिफ्ट भी कैसे होना है, ट्राई करो हील्स थोड़े टाइम के लिए, देखो आपको कैसे फील हो रहा है एंड फिर यू कैन शिफ्ट टू हील्स। माई पर्सनली आई स्क्वाट इन फ्लैट्स, ये मुझे ज़्यादा क्लोज टू ग्राउंड और स्टेबल रहने में हेल्प करता है। आई हैव ट्राइड हील्स, बट हील्स मेरा स्टेबिलिटी में थोड़ा इश्यूज देता है एंड आई एम मोर ऑफ एन हिप डोमिनेंट या पोस्टीरियर डोमिनेंट पर्सन, सो आई गो विद फ्लैट्स। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। और यही चीज़ आप यही सब सोच समझ के, यही सब मेथड्स, यही सब जो पॉइंट्स है वो कंसिडर करके आपके लिए अपने लिए एक प्रॉपर स्क्वाट शू चूज़ कर सकते हो। एंड